बहुत शुक्रिया, आपने नतले पे जो थोड़ी सी दाद दी है उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे दाद वसूलनी आती है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं बड़ों की मौजूदगी में थोड़ा सा बेहतर पढ़ने की कोशिश करूं, तो आप थोड़ी बेहतर दाद देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जीत का सब खुमार जाता है, वक्त नशा उतार जाता है, जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं, चुप रहूं तो वकार जाता है। जान जाती है सच अगर बोलूं, चुप रहूं तो वकार जाता है, जीत का सब खुमार जाता है। शेर सुनेगा आप, मुझे दुआओं से नवाजिएगा। इशारा कि धूल उड़ती है आसमानों में, क्या कहना धूल उड़ती है आसमानों में, धूल उड़ती है आसमानों में, फिर कोई शहसवार जाता है, फिर कोई शहसवार दुनिया का जो मंजर है, और मुझे लगता है कि एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जिनके पास सब कुछ है, और एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो मजलूम हैं, लेकिन उनकी तरफ से एक शेर पढ़ता हूं। जीत का हर खुमार जाता है कि रायगा मेरा खून नहीं जाता, रायगा मेरा खून नहीं जाता, रायगा मेरा खून नहीं जाता। दुबई मुझे सुन के बताएगा शेर को, रायगा मेरा खून नहीं जाता, रायगा तेरा वार जाता है, रायगा जाता है, रायगा तेरा वार जाता है, और तेरी फिरौनियत भी देखेगी, क्या कहना, तेरी फिरौनियत भी देखेगी। यहां से वहां तक मुझे दुआएं मिले आपकी, तेरी फिरौनियत भी देखेगी, कौन दरिया के पार जाता है, कौन दरिया के पार जाता है। वाह, बहुत शुक्रिया मोहतरम तारिक सरदारी साहब, अली सागरी साहब, अली गजनू साहब, जावेद मुशी साहब, शानी साहब, सारे लोग मिलकर कह रहे हैं कि ये चेहरे बार फिर पढ़ा जाना चाहिए। वाह वाह, तेरी फिरौनियत भी देखेगी, तेरी फिरौनियत भी देखेगी, कौन दरिया के पार जाता है, कौन दरिया के पार जाता है, और टूट जाता है मेरे सीने में, टूट जाता है मेरे सीने में, टूट जाता है मेरे सीने में, तीर कब आर पार, वाह वाह, तीर कब
अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए। मैं जहां तक पहुंचाना चाहता हूं आप पहुंचेंगे, मुझे पूरा यकीन है कि अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो सब्रो करार जाता है। वाह 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 वाह, क्या कहना, क्या कहना, वाह बहुत शुक्रिया। ये आखिरी शेर और शेर के सिलसिले के साथ हुआ बनके तमन्ना है, मैं वो एक लिखना उठाता हूँ और उसे एक मुकम्मल नज्म बनाने की कोशिश करता हूँ अपने टूटे फूटे लफ्जों में। तो मुझे आप सबकी दुआ मिले, आप सब वहां पहुंचे। मोहतरम शिबली साहब, मोहतरम शहनवाज साहब, परवेज भाई, तमाम जो दोस्त यहाँ बैठे हैं, मैं नज्म पढ़ता हूँ, मेरे दर्द तक साथ दीजिएगा मेरा, मैं पढ़ता चलेगा। लबे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लबे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लबे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्ती। तेरे महबूब ने संत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाब नबी के सजदे, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, अब फकत तेरे सहारे है फलस्तीन खड़ा। कर दे एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी।
कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला, उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले, उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले, ऐ खुदा उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले, ऐ खुदा क़िबले अव्वल की दुआएं सुन ले, तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा, लपे आती है मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लपे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस बार, दुआ मांगता हूँ आपसे, आपकी दुआएं, आपकी तालियां, आपकी मोहब्बतें उन तमाम बच्चों के नाम पहुंचे जहां तक मैं पहुंचाना चाहता हूँ, कि दूध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, दूध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, बच्चों के आदाब हुआ करते, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, हम नहीं कहते हमें कोई पयंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे, लश्कर बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं,
जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्कर पीर जहालत पे उतर आया है, ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को हम कर दे दे। कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे के मोहब्बत से चले। आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। लाल किला हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ मैं, लाल किला लाल किला लाल किला हूँ मैं, लाल किला हूँ। और अब तैयार रहना तुम्हें कहो, अब तैयार रहना मेरे परदेसी साथियों, मैं पढ़ता हूँ अपना मिसरा के राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे, मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। कि मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। एक ऐसा वक्त जब साजिशें ये हैं कि पहचान मिटा दो, विरासत मिटा दो, तब हमें ऐसा लगता है कि हमें और बाबा से बुलंद बोलने की जरूरत है। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। क्या कहना? बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं है। बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। या मेरे अच्छे दोस्त इस पार के परवेज भाई बैठे हुए हैं, मेरा छोटा भाई राशिद बैठा है, मैं मिस्र पढ़ता हूं, दुआ मांगता हूं दुबई वालों, आपकी दुआओं के साथ आपकी मोहब्बतों के साथ विदा मिले मुझे इस नज्म के बाद। के बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं, नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता। क्या कहना? जो सियासत है, जो साजिश है, एक मिसरा पढ़ रहा हूं कि नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। वाह वाह वाह, अंदाज मेरा अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला उन्हें मैं कसम देता हूं कि अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वाह 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 वाह, क्या कहना क्या कहना, अंदाज सदा मस्त मलंगा ही रहेगा। बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ, अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वो फूल हूँ जो
खिला हूँ मैं लाल किला लाल किला। आपका बहुत शुक्रिया। आपने इमरान भाई को बड़ी मोहब्बत के साथ सुना है। जी हाँ, मैं वो भी सुना देता हूँ शायद। के सुन नहीं पाए बेजुबानी को, क्या कहना, आप समझे नहीं कहानी को। या अब्बास भाई बैठे हुए हैं रियाद से आए हुए, और भी कई साथी हैं, मेरे दोस्त है फहीम, सब बैठे हैं। मैं एक मतलब शेर पढ़ दूं, फिर वो नज्म पढ़ देता हूँ जिसके लिए हुक्म है। के सुन नहीं पाए बेजुबानी को, आप समझे नहीं कहानी को। वो जो आतिश परास्त फिरका है, वो जो आतिश परास्त फिरका है, बद्दुआ दे रहा है पानी को, बद्दुआ दे रहा है पानी को। ढूंढ लेती है हथकड़ी एक दिन, चाहे उधर के इमरान हो या इधर के इमरान हो, शेर सुनेगा। ढूंढ लेती है हथकड़ी एक दिन, ढूंढ लेती है हथकड़ी एक दिन, खेल समझो ना हक बयानी को। वो जो आतिश परास्त फिरका है, क्या कहना, बद्दुआ दे रहा है पानी को, बद्दुआ दे रहा है पानी को। सर्द चेहरा उदास आंखें हैं, सर्द चेहरा उदास आंखें हैं, सर्द चेहरा उदास आंखें हैं, क्या हुआ आपकी जवानी, क्या हुआ आपकी जवानी को। आप समझे नहीं कहानी को, सुन नहीं पाए बेजुबानी को। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। मैं 2-3 मिनट आपका और लूंगा। हाँ 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 बिल्कुल, वो तो शायर ऐसा बोलता है, उसे करना तो अपने मन का ही होता है, ऐसा करना पड़ता है। ये हम लोगों की आदत पड़ी होती है, और आदतों के मामले बड़े ख़राब हैं, और शंभू भाई इस बात को समझते हैं। एक बस कंडक्टर की शादी हुई तो सुहाग की सेज पे बैठ के बीवी से बोला कि बहन जी जरा और सरकिए, 2 सवारियाँ और बैठे। ये आदतें हैं, ये जल्दी जाती नहीं, जाएंगी भी नहीं, जानी भी नहीं चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ हाँ, मैं वो पढ़ दूँ। हाँ पहले उससे पहले एक, हम सारी दुनिया से शिकायत करें, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी तो यह समझना पड़ेगा कि कुछ तो चूक हुई है। मैं एक मतलब 2-3 शेर के, आज तारीख है हैरान कहां चूक हुई। वाह, आज तारीख है हैरान कहां चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान कहां चूक हुई, सोचिएगा कभी सुल्तान कहां चूक हुई। आज तारीख
تاریخ ہے حیران، حل ہوا کرتے تھے دنیا کے مسائل جن سے، حل ہوا کرتے تھے دنیا کے مسائل جن سے، مسئلہ اب ہے مسلمان کہاں چوک ہوئی، مسئلہ اب ہے مسلمان کہاں چوک ہوئی۔ اور ایک شعر پڑھتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پورے عہد کا درد ہے یہ، کہ تم پہ دولت بھی ہے تعداد بھی طاقت بھی ہے، پھر بھی ہو بے سر و سامان کہاں چوک، پھر بھی ہو بے سر و سامان کہاں چوک ہوئی۔ اور ایک شعر کہ رہ گیا کس لیے تو علم و ہنر میں پیچھے، پاس تو قرآن کہاں چوک ہوئی، کہاں چوک۔ نہیں، شعر پہ اتنی کمزور تالیوں سے کام چل رہا ہے۔ رہ گیا کس لیے تو علم و ہنر میں پیچھے، تو قرآن کہاں چوک، کہاں چوک ہے تیرے پاس، قرآن کہاں چوک ہوئی۔ اور بس یہی ایک خرابی ہے میرے اندر بھی، سوچتا رہتا ہوں عمران کہاں چوک، کہاں چوک، سوچتا رہتا ہوں عمران کہاں چوک ہوئی، کہ مجھ سے میرے ہونے کی پہچان نہیں لے سکتے ہو، مجھ سے میرے ہونے کی پہچان نہیں لے سکتے ہو، جب تک رب نہ چاہے میری جان نہیں لے سکتے ہو، جب تک رب نہ چاہے میری جان نہیں لے سکتے ہو، چھلنی کر سکتے ہو میرا سینہ اپنی گولی سے، لیکن تم مجھ سے میرا ایمان مبارکباد میں جہاں سے سفر کر کے یہاں آیا ہوں، ایک بات چونکہ دبئی کے اس مشاعرے کو پورا ہندوستان خاص طور سے سنتا ہے، میں پورے ہندوستان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا دور ہے کہ لوگ ایسا لگتا ہے جیسے سیلیبریٹ کرنا بھول گئے ہیں، جشن منانا بھول گئے ہیں، مایوسی سے باہر نکلیے، نکلنے کا وقت ہے، ڈرنے سے کام نہیں چلے گا۔ میں نظم پڑھتا ہوں کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، بتائیے گا مجھے سن کے دبئی والوں،
के मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, क्या कहना? मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, के वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो। वाह क्या कहना। वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, ऐसी आसत के मगरूर शाहों सुनो। ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, बन के खुशबू फजा में बिखर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे। बस एक बन पढ़ के आपसे विदा ले रहा हूँ। के मौत बरसी है अस्पतालों पे और हैवानियत के किस्से हैं, बस डेढ़ से दो मिनट। मौत बरसी है अस्पतालों पे और हैवानियत के किस्से हैं, एक बस्ती है उजड़ी उजड़ी सी, उसकी वीरानियत के किस्से। मौत बरसी है अस्पतालों पे, उसकी हैवानियत के किस्से हैं, एक बस्ती है उजड़ी उजड़ी सी, उसकी वीरानियत के किस्से हैं, सारे आलम के हुक्मरान तुझसे, सारे आलम के हुक्मरान तुझसे कह रही है ये एक माँ तुझसे, अपने बच्चे की लाश ढोते हुए। ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए, ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए। कोई दाद नहीं कोई ताली नहीं, मुझे खामोशी से सुन लें, आखिर में मुझे विदा कर दीजिएगा। के सारे आलम के हुक्मरान तुझसे कह रही है ये एक माँ तुझसे, अपने बच्चे की लाश ढोते हुए। ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए, के देखती है वो सूनी आंखों से सारी दुनिया जहान की चुप्पी, देखती है वो सुनी आंखों से सारी दुनिया जहान की चुप्पी, जालिमों से कोई उम्मीद नहीं, हाँ मगर आसमान की चुप्पी, देखती है वो सुनी आंखों से सारी दुनिया जहान की चुप्पी, जालिमों से कोई उम्मीद नहीं, हाँ मगर आसमान की चुप्पी। मर गया जिसका
خدا ظلم تیرے ہوتے ہوئے اے خدا ظلم تیرے ہوتے ہوئے کہ ایک دو دن ستم نہیں ہوتا وہ مسلسل ستائے جاتے ہیں پھول سے بچے مارنے کے لیے آج کل بم گرائے جاتے ہیں کہ ایک دو دن ستم نہیں ہوتا وہ مسلسل ستائے جاتے ہیں پھول سے بچے مارنے کے لیے آج کل بم گرائے جاتے ہیں آنسوؤں کی لڑی پروتے ہوئے چیخ کر کہہ رہی ہے روتے ہوئے اے خدا ظلم تیرے ہوتے ہوئے واہ حضرات گرامی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جناب عمران پرتاپ گڑھی صاحب کے اس خوبصورت کلام کے ساتھ اس مشاعرے کو کامیابی کی اونچائیوں تک پہنچایا ہے میں آپ کا شکر گزار ہوں عمران بھائی نے جس طرح کی نظمیں آپ کو سنائی اور جہاں سے اپنا کلام سنانا شروع کیا مجھے کہنے دیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر عمران بھائی کی ساری نظموں کا خلاصہ میں پیش کروں تو مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ تو پکارے گا تو اے سہل حرم آئیں گے